बहुत अच्छा, आज बहुत सारी खुशियाँ एक साथ मिली। मैं एक तो गणेश जी को धन्यवाद कि आज गणेश जी के पावन का दिन का मौका मिला, मुहूर्त किए प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब को, रानी के साथ काम करने का मौका मिला, तो आज बहुत सारे भोजपुरी की इंडस्ट्री में खुशी की, भोजपुरी इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारा जोड़ा साथ में आ रहा और एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस भोजपुरी सिनेमा में एंटर किया है, तो एक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात। बस आप लोगों ने अभी मुहूर्त शॉट देख ही लिया, ये लाइन हम लोग को अभी तुरंत एक मिनट पहले मिली थी, तो ये हम लोग का आंखों से एक तालमेल, एक अलग केमिस्ट्री है कि ये इनको पता मैं कहाँ पॉज लूँगा, मैं कहाँ रुकूँगा, मुझे कहाँ से उठाना, ये कहाँ रुकेंगी, एग्जैक्टली ये बड़ा हमको संभालते रहती है, रानी नोज एग्जैक्टली मुझे बचाना कहाँ है, संभालना, तो ऑल क्रेडिट गोज टू हर। अभी बात करें सीन हो रहा था तो उसने देखा कि रानी आपको कृष्णा करके बुलाती है, बांसुरी भी आपका? हाँ बांसुरी नहीं है बट फिल्म में दिख जाएगी। हाँ फिल्म में डेफिनेटली। अच्छा आपका सजेशन रहा, मैं डायरेक्टर से कहूँगा कि कृष्णा के साथ बांसुरी होनी चाहिए, बहुत अच्छी। मेहरारू ढूंढ रहे थे, मिले कि नहीं? मिले। हाँ मेहरारू है, एकदम मिल गई, इतनी सुंदर सी बगल में आ गई मेहरारू, और यही इस फिल्म की कहानी है। ये एक एक्शन पैक टू हीरोइन सब्जेक्ट है जिसमें फैमिली ड्रामा ये बहुत ज़्यादा है, गांव देहात का और इमोशन, एक प्यार में सैक्रिफाइस और एक जो प्रेम करती है वो कैसे सैक्रिफाइस करती है और एक दूसरी लड़की से कैसे, तो बहुत ही अच्छा सुंदर सी नई कहानी हमारे एंटरटेनमेंट के साथ आएगी। रानी आप क्या कहना चाहेंगे, मौका भी है, दस्तूर भी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ रवि जी के साथ, जब भी कोई फिल्म होती है मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि रवि जी को लगता है कि मैं उन्हें संभालती हूँ, ऐसा नहीं है, रवि जी के साथ बहुत कुछ सीखती हूँ, और टीम बहुत अच्छी है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, म्यूजिकली फिल्म है, एक्शन ड्रामा म्यूजिकली सब कुछ होगा फिल्म में, मतलब जैसी फिल्में हम करते हैं हम दोनों की जोड़ी जिस फिल्म में होती है, आई होप कि लोगों को ये फिल्म पसंद आए। रानी दिलीप गुलाटी जो डायरेक्टर हैं उनकी बात करें तो आज तक उन्होंने हिंदी फिल्में बनाई हैं, पहली बार भोजपुरी फिल्म बनाई, आपके लिए कितने मायने हैं कि ऐसे लोग भी आ रहे हैं? बिल्कुल, प्रोड्यूसर्स भी जो हैं वो उन्होंने हिंदी फिल्म बनाई है, हमारे दिलीप सर ने भी बनाई है, और ये मेरे लिए बहुत ही अचीवमेंट की बात है कि मैं इतने अच्छे टैलेंटेड के लोगों के साथ काम करने जा रही हूँ। रवि जी तो करते ही, रवि जी ने तो बहुत दिग्गजों के साथ काम किया है, बट मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। बस यही कि आज मेरे घर पे भी गणेश जी थे, आधी पूजा किया मैंने, उसे क्षमा मांगा मैंने, गणेश पापा को बोला कि मैं, हम कलाकारों की असली पूजा यही है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ तो आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि कलाकार के लिए भगवान और जीवन और मंदिर सब कुछ उसका स्थान ही शूटिंग होता है, मेकअप होता है, तो आज मेरे घर भी गणेश जी आए हुए हैं डेढ़ दिन के लिए, बट खुशी की बात है कि त्यौहार के दिन हम कलाकारों को 365 दिन, मुझे तो 365 दिन, इवन रानी को भी शायद, हमारे लिए 365 दिन त्यौहार होता है, आज बड़ा पावन दिन है गणेश जी का, और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जन्मदिन भी है नरेंद्र मोदी साहब का, तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएँ, जन्मदिन की बधाई, और आज गणेश जी का भी जन्मदिन है, तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू जी, ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, और जोड़ी नंबर वन एक मसाला पिक्चर है, एंटरटेनमेंट है जिसमें एक्शन कॉमेडी और भरपूर प्रेम है, तो इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं है, इसमें एवरीथिंग इज़ कवर्ड, तो इट्स जस्ट अ मसाला मूवी, और एक एंटरटेनमेंट जो हम भोजपुरी के लिए लाना चाहते हैं वो है। इसमें ऐसा है कि जो एक्टर और एक्ट्रेस है काफ़ी टाइम बाद इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो हम कुछ एक नया तरीके से उनको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और इसमें जो मसाला है आप देखेंगे तो आई थिंक दैट विल बी बेटर इंस्टेड ऑफ मी टॉकिंग ऑन इट। सर इसमें उनके कैरेक्टर्स मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं और उनका एक थीम ही अलग है, तो कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं है, बट कॉमेडी और एक्शन में सब में उनको इन्वॉल्व किया गया है। सो लोकेशन हम बनारस में हैं और यूपी में ही पूरी पिक्चर क्रिएट करेंगे, रिलीजिंग दिवाली में है। जोड़ी नंबर वन में, और मेरी शुभेच्छा है कि ये फिल्म आज का मुहूर्त दे है, और गणपति बाप्पा के आशीर्वाद से ये फिल्म अच्छी बने और बहुत बॉक्स ऑफिस पे कामयाब बने, ये मेरी गुजारिश है और गणपति बाप्पा से प्रार्थना है। सर दिलीप जी की बात करें तो इसके पहले वो हिंदी फिल्में बनाते थे,
सर कैसा अभी तक का जो केमिस्ट्री है आपका कैसा? सर अभी तो ये फिल्म लॉन्च करने जा रही है, लॉन्च होने जा रही और अभी इस फिल्म का शूटिंग शुरू होगा, लेकिन वो सर इतने सीनियर डायरेक्टर साहब है जो सलीम खान जावेद खान के वक्त जावेद अख्तर के वक्त से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सबसे पहला मौका मुझे भोजपुरी में जो दे रहे हैं वो डायरेक्टर सर दे रहे हैं और मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने जो रोल दिया है मैं उसके ऊपर मेहनत करूंगा, खास करके भोजपुरी डायलॉग्स के लिए, और बहुत लगन लगाकर ये भोजपुरी ऑडियंस को मैं अपना रोल प्रस्तुत देखिए एक कलाकार जो होता है वो कलाकार हमेशा आर्ट यानी कि कला के भूखे होते हैं, जो भी आर्टिस्ट लोग होते हैं। मैंने हिंदी फिल्मों में काम किया, मैंने गुजराती फिल्म में काम किया, मैंने मराठी फिल्म में काम किया, मैंने अंग्रेज़ी फिल्म में काम किया, तो भोजपुरी क्यों नहीं? क्योंकि भोजपुरी का जो ऑडियंस है वो बहुत इंटरनेशनली वाइड है। मैं मॉरिशियस शूट करने गया था, मनी है तो हनी है, रवि किशन जी मेरे साथ थे, उसके पहले भी मैंने 2-3 फिल्म मॉरिशियस में शूट किया, तो वहाँ भी भोजपुरी लैंग्वेज की बहुत डिमांड है, इंग्लिश है उसमें डिमांड है, तो भोजपुरी को मैं कोई उसको मैं लोअर दर्जा नहीं देता हूँ, मैं भी उसे हिंदी फिल्म से पैरेलल ही रखता हूँ कि इतने सालों से एक ऐसी रीजनल भाषा जिसने पूरे विश्व में ध्यान दिया और बॉक्स ऑफिस पे कामयाब किया। चलते चलते एक MBBS मुन्ना भाई MBBS का एक डायलॉग ज़रूर, मेरी एक कभी सीरियल चल रही है लाइफ ओके पे, एक नई उम्मीद रोशनी, जिसमें मैंने रोशनी के पिताजी का रोल किया है, पूजा गौर का मैं बाप बना हूँ, डॉक्टर आनंद सिंह, लाइफ ओके पे 8 बजे आती है, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिए। अमोल पालेकर से है, रघुवीर यादव है, दिव्या सेठ है, देन हिमांशु मल्होत्रा है एंड पूजा गौर है और मैं भी हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। और जाते जाते मुन्ना भाई MBBS का एक जो फेवरेट टैग लाइन है, कैरम रमवानू जूस पीवानू मज्जा नहीं लाइफ, रानी तो पप्पा नहीं, हमारा पप्पा नो डायलॉग।